भाजपा दिव्यांग विकास क्रीड़ा आघाड़ी महाराष्ट्र प्रदेश द्वारा मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक खिलाड़ियों का सत्कार एवं सम्मान किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और तमाम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खास तौर पर मौजूद थे। यूं तो भारतवर्ष में कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने खेल प्रतिमा के चलते भारत का नाम रोशन किया है। वैसे देखा जाए तो नागपुर को खिलाड़ियों की खान कहते हैं, जो शरीर से मजबूत है। ऐसे खिलाड़ियों ने हर खेल के मैदान में अपनी खेल प्रतिमा को निखारा है, लेकिन जो दिव्यांग है ऐसे शहर के खिलाड़ी भी पीछे नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों सम्मान पा रहे ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने कड़ी मेहनत करते हुए शहर का, राज्य का और अपने भारत देश का नाम रोशन किया है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के सम्मान के लिए मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय क्रीड़ा दिन के अवसर पर दिव्यांग खिलाड़ियों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों की गई। भाजपा दिव्यांग विकास क्रीड़ा आघाड़ी महाराष्ट्र प्रदेश द्वारा मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक खिलाड़ियों का सत्कार एवं सम्मान कार्यक्रम किया गया और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर भाजपा दिव्यांग विकास क्रीड़ा आघाड़ी महाराष्ट्र प्रदेश के संयोजक तथा प्रदेश प्रभारी धनंजय उपासने और महाराष्ट्र प्रदेश दिव्यांग विकास आघाड़ी अध्यक्ष जय सिंह चौहान इन्होंने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। आज मेजर ध्यानचंदांच्या स्मरणार्थ आपण विविध दिव्यांगांच्या स्पर्धामध्ये ज्या लोकांनी राष्ट्रीय स्तरावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्तम कामगिरी केलेली आहे त्यांचा आज या ठिकाणी सत्कार करतो आहे ही अतिशय आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे। आपल्या महानगरपालिकेने आत्ताच मला पियुष आमंत्रणाने सांगितलं की अनेक योजनांच्या द्वारे या सगळ्यांना सातत्याने मदत करण्याचा प्रयत्न महानगरपालिकेने नियोजित केलेला प्रोत्साहन देण्याकरता आपण सगळ्यांनी हा पुढाकार घेतला याबद्दल मी मनापासून आपल्याला धन्यवाद देतो। आपल्या देशामध्ये दिव्यांगांची संख्या 6% आहे आणि शासनाच्या, राज्य शासनाच्या आणि भारत शासनाच्या अनेक योजना आहेत। या सर्व दिव्यांग मंडळींना आपल्या आयुष्यात सन्मानाने जगता आलं पाहिजे याकरता त्यांचा रोटी कपडा आणि मकान हा देखील आपण त्यांना मिळवून दिला पाहिजे, त्याशिवाय ते खेळाडू म्हणून काम करू शकत। आज भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग विकास आघाड़ी महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से मेजर ध्यानचंद जी के स्मृति में यह पुरस्कार सोहरा माननीय नितिन जी के विशेष इसमें मुख्य अतिथि के रूप में किया गया है और यह इसका यानी यह पुरस्कार देने का और ये सम्मान करने का ऐसा है कि दिव्यांगों को और आगे बढ़ाया जाए और जैसा खेल इसमें भी दिव्यांग आगे बढ़ सके इसलिए हमने यह कार्यक्रम यहाँ पे किया हुआ है। इस कार्यक्रम का आयोजन करने के पीछे मेरी इच्छा ये थी कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग विकास आघाड़ी महाराष्ट्र प्रदेश क्रीड़ा प्रभारी हूँ तो मेरी इच्छा ये थी कि सब पुराने नए जो भी है नागपुर की शान इसको हमने नागपुर हीरोज करके हमने इनको नाम दिया है ये पुरस्कार को और सब लोग पुराने नए लोग एक स्टेज पे आके उनका जिनका सत्कार नहीं हुआ है उनका सत्कार करना उनको प्रोत्साहित करना जिससे नए लड़के जो है तैयार हो जाएंगे और हमारी इच्छा है कि ये कार्यक्रम महाराष्ट्र में 12 जिले में हो रहा है सिर्फ नागपुर में नहीं हमारे आघाड़ी के नीचे मेरे सहयोग से पूरा 12 जिले में इसका कार्यक्रम दिव्यांग विकास का हो रहा है। ये ध्यानचंद क्रीड़ा राष्ट्रीय क्रीड़ा दिन के माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है और मेरी इच्छा यह है कि यहाँ से नागपुर से अनेक लोग अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल पे तैयार करना ये मेरा ध्येय है और ये मैं पूरा करूँगा। उसके लिए जो भी समस्या है वो समस्या लोगों से मिल के उसका हल निकाल के लोगों का प्रशिक्षण सब मैं लेने वाला हूँ और गेम खेलों में यहाँ से नागपुर से ओलंपिक के लिए खिलाड़ी तैयार करने की मैं पूरी इच्छा है वो पूरी करूँगा।
और नागपुर का नाम रोशन करूँ। तो आप थे जयसिंह जी, जिन्होंने बखूबी पेपर के साथ बात करते हुए कहा कि दिव्यांग खिलाड़ी ने जिस प्रकार से अचीवमेंट किया है, जो भारत देश का नाम रोशन किया है, ऐसे तमाम तमाम खिलाड़ियों का आज यहाँ पे देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों यहाँ पे सम्मान किया गया है। और ये आशाएं जताई जा रही है कि अगर भविष्य में जो बड़े बड़े जो खेल प्रतियोगिता का जो आयोजन होगा, उसमें नागपुर से भारी संख्या में ऐसे खिलाड़ी तैयार हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं। कैमरा पर्सन माइकल के साथ संजय मीरे, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।